गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ चैप्टर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो कुछ आइटम्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो आइटम कहाँ आएंगे। सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ, नेट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से आइटम हैं तो देखिए बेटा, रिलेटिंग टू नॉन फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सबसे फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। ये सोर्स है बेटा इनकम का, एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन। एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। इट विल बी अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड आउट ऑफ इट द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करंट ईयर विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इसको एक तो डेबिट साइड और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तो मानी, दूसरा डेबिट साइड क्योंकि रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन को। लेकिन कौन सा? ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली फॉर करंट ईयर, केवल करंट ईयर, करंट ईयर के रिलेटेड जो है ना उसको लिखेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का है तो उसको नहीं लिखेंगे। अगर ड्यू है सब्सक्रिप्शन तब भी इसको लिखेंगे ना, सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। सेकंड है आपका एंट्रेंस फीस। बेटा जो भी मेंबर क्लब में या सोसाइटी में आपके मेंबर बनते हैं तो उनकी एंट्रेंस फीस लगती है। एंट्रेंस फीस एनुअल भी हो सकती है और लाइफ टाइम भी हो सकती है। एनुअल अगर है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि रिकरिंग नेचर में, बार बार होगी, हर साल होगी। लेकिन अगर ये लाइफ टाइम है तो फिर कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि वो पूरी लाइफ के लिए आ गए तो कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो एंट्रेंस फीस के बारे में जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं हो तो इसको रिकरिंग नेचर की या रेवेन्यू नेचर की मानेंगे और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिख देंगे और रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड लिख देंगे। तो वही अगर विदाउट इंफॉर्मेशन है तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट और इधर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट इंफॉर्मेशन। तो ये विदाउट इंफॉर्मेशन। और अगर आपको कहा गया है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानना है, एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो फिर हमें क्या करना है उसको लाइटी, इफ कैपिटल रिसिप्ट अगर इसको मानना है तो
लेकिन इसके बजाय बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे। ये आपका एंट्रेंस फीस हो गया। थर्ड, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड बेटा ये स्थायी कोष होता है अपना, तो ये स्पेशल पर्पज के लिए होता है एंडोमेंट। तो ये कैपिटल रिसिप्टी होती है एक तरह से, परमानेंट इनकम होती है स्टूडेंट्स की, स्थायी इनकम होती है, बार बार नहीं होती है। तो इसको एक तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। इसको क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं एंडोमेंट फंड को, क्योंकि परमानेंट नेचर की इनकम है, ये रिकरिंग नेचर नहीं है, एक बार ही आएगा एंडोमेंट फंड, कभी कभी आता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस होती है जो आपके जो मेंबर है उनको लाइफ टाइम की मेंबरशिप देने के लिए। तो बार बार नहीं होती, एक बार हो गई, उसके बाद में पूरे जीवन काल के लिए, ऑल ऑफ द टाइम, उसके लिए एक बार अमाउंट ले लिया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट होने के कारण इसको हम कहाँ ऐड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, बल्कि कैपिटल फंड और मैं या तो ऐड कर देंगे या फिर सेपरेटली, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या फिर सेपरेटली अलग से लिख देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस को। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है उसको हम वही डेबिट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सेपरेट भी लिख सकते हैं और कैपिटल फंड में ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो आपके सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, ये हो गया। इसके बाद में डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन दो तरह का होता है। डोनेशन आपका दो तरह का होता है, एक स्पेशल डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन जो है वो तो आपका, जनरल डोनेशन जो है वो तो आपको मतलब, जनरल डोनेशन का मतलब जो किसी स्पेशल पर्पज के नहीं लिए नहीं मिला, तो इसको तो आपको रिसिप्ट पेमेंट पे लिखना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे लिखना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और अगर स्पेशल डोनेशन है, स्पेशल डोनेशन है तो फिर उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा ही, और उसके साथ साथ के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अलग से सेपरेटली लिखेंगे, उसका अलग से फंड बनाएंगे, स्पेशल डोनेशन का अलग से नाम लिखेंगे, सेपरेटली लिखेंगे उसको, जैसे डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो करेंगे उसको। इसके बाद में लेगेसी क्या होती है? विरासत होती है जो हमें पूर्वजों से मिलती है, आगे से मिलती है, पिछले उससे मिली है, तो ये भी बार बार नहीं होती, ये विल होती है जो डिजिट पर्सन है। जैसे मान लो कोई एक्सपायर हो गया, उसने कहा कि मैं इसको ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, विरासत में देना चाहता हूँ इस क्लब को, सोसाइटी को, तो वो जो है वो लेगेसी है। और लेगेसी बार बार नहीं होती तो ये भी रिसिप्टेंट पेमेंट में आ जाएगी, रिसिप्टेंट पेमेंट और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगी, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी लेगेसी भी। अब सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, पुरानी असेट्स को बेच रहे हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको उसमें से कम कर देंगे जो असेट्स आपकी, जैसे मान लो सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, सेल ऑफ
ओल्ड एसेट्स, तो इसको पुरानी एसेट्स में से कम करके दिखा देंगे, क्योंकि वो एसेट्स आपने बेची तो कम हो जाएगी ना, तो एसेट साइड में कम हो जाएगी। सेल्ड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराने न्यूज़पेपर रद्दी होते हैं और पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल जो खराब हो गए उनको हम बेच रहे हैं, तो एक तो रिसिप्टेंट पेमेंट में जाएगा और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि रद्दी है बेटा, तो ये रद्दियां बैट बॉल है पुराने, नेट है पुराना, तो इनको तो बेटा बार बार बेचते रहेंगे हम, तो ये आपके रिकरिंग नेचर है, तो इसको हम क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही लिख देंगे। इसके बाद में पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, होनोरेरियम पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, ये जो है ये होता है एक तरह से रेम्यूनरेशन, एक तरह से सैलरी ऑफ द जो भी एम्प्लॉई है उस क्लब का, सोसाइटी का। तो ये जो है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम ये रेम्यूनरेशन होता है, तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्टेंट पेमेंट में तो क्रेडिट साइड, रिसिप्टेंट पेमेंट में तो क्रेडिट साइड और उसमें डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड हो जाएगा। ये आपका पेमेंट ऑफ होनोरेरियम भी आपका कंप्लीटली आ गया। अब इसके बाद में आता है आपका जनरल एंड स्पेशल फंड, जनरल एंड स्पेशल फंड। जनरल और स्पेशल फंड में होता क्या है, जनरल फंड तो होता है आपका कैपिटल फंड, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं होता, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल फंड में डालते हैं। अगर वो स्पेशल पर्पज के लिए बना हुआ है और किसी स्पेशल पर्पज के लिए नहीं है, सभी काम के लिए है, तो कैपिटल फंड होगा या जनरल फंड होगा। और स्पेशल पर्पज के लिए जैसे स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, मैच फंड, तो वो स्पेशल फंड हो गया, स्पेशल पर्पज का फंड हो गया, तो जनरल फंड और स्पेशल फंड। तो अगर जनरल फंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कैपिटल फंड है, और स्पेशल फंड है तो उससे रिलेटेड इनकम भी उसमें ऐड होगी और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड होगा, लेस होगा, एक डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में वो फंड बनेगा, उससे रिलेटेड इनकम उसी में जाएगी, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, और उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बल्कि उससे रिलेटेड खर्चा भी उसी में आएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर फोर, इलस्ट्रेशन नंबर फोर में सो How will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019? एक क्लब है स्पोर्ट्स क्लब, उसमें देखो स्पोर्ट्स फंड अलग से बना हुआ है, उस क्लब में स्पोर्ट्स फंड अलग से बना हुआ है, तो स्पोर्ट्स फंड जो है उसका अमाउंट लिख देंगे सबसे पहले। तो उस स्पोर्ट्स फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, वो असेट साइड लिख देंगे, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो वो ऐड कर दो इसमें 37,500 फंड में। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम हुई है। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड लेस कर दो और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स वो लेस कर दो। और ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं हुआ, अभी तो केवल हमने देखो 37,500, जबकि 5 लाख का 10% 50,000 होता है, तो 37,500 रिसीव्ड हुए तो 12,500 नहीं हुए, तो अभी तक आपको जो इनकम बकाया होती है उसको अक्रूड बोलते हैं, और अक्रूड जो होती है वो आपके असेट्स होती हैं,
तो एक्रूड इंटरेस्ट 12,500 इधर लिख देंगे। ओके, ये आपका क्लियर हो गया।